पार्टी बहुत ही अच्छी रही और हम लोग अब घर जा रहे हैं। और घर आते के साथ ही सबसे पहले मैं किचन में गई, क्योंकि सुबह के लिए कुछ तैयारी करनी थी। चावल दाल भिंगो कर गई थी, तो उसका बैटर मैंने तैयार कर लिया। तक इन्होंने बच्चों को सुला दिया है, बच्चे सो रहे हैं। बच्चों का स्कूल ड्रेस को धो रखा था, का प्रेस करने का टाइम नहीं मिला, कल से स्कूल है के ड्रेस को मैं प्रेस कर लेती हूँ, ताकि सुबह भाग दौड़ में मुझे मेरा टाइम बचे और सारा काम इजी हो जाए, समय पर हो जाए। दोनों बच्चे के स्कूल ड्रेस में अभी ही प्रेस कर लेती हूँ। पार्टी बहुत बड़ी होने वाली थी पर नहीं हुई, क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। वे सैटरडे को रात में ही आए, तो इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती थी। बस छोटी पार्टी रखी, गिनी चिनी लोगों को बुलाया, और इस वजह से मैं ज़्यादा थकी भी नहीं हूँ, तो मैं इस कुछ बचे काम में निपटा लेती हूँ। बच्चों का ड्रेस मैंने प्रेस कपड़ों को उनके जगह पे रख दिया। बच्चे मेरे सो ही रहे, सब सोने जा रहे हैं, बहुत नींद आ रही है, इसी बस सोने। आज पार्टी के लिए मेकअप किया था, तो उसे उतार करके उसको बैग करके सीरम लगा लिया और हल्के हल्के हाथों से बस एक मिनट के लिए मसाज कर दिया। अपने बाद में छोड़ देती हूँ, उसे धोना नहीं है, धोती नहीं मैं इसे रात में। रात भर बहुत अच्छे से बर्फ करेगा फेस पे। और अभी रात के 12:30 हो रहे हैं। सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मेरी सुबह हो गई है। मैं उठने के बाद 10 मिनट्स बालकोनी में बैठती हूँ। मुझे इस समय का हवा बहुत ही पसंद आता है। इस समय का सीन और पक्षियों की चहचहाट मुझे बहुत ही भाता है। आज तो बादल भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब 5:45 हो गया है और अब से शुरू होती है मेरे घर के काम। सुबह की झाड़ू मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैंने मेड रखा है, फिर भी मुझे पूजा करना होता है, हस्बैंड को भी पूजा करके निकलना होता है, तो इतना हल्का फुल्का झाड़ू कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। पूजा रूम की सफाई मैं खुद अपने हाथों से ही करती हूँ, बाकी सब जगह मैं मेड से करवाती हूँ। वैसे हमें मेड की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने रखा है, और किस लिए रखा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसके बाद मैं तुरंत नहा भी लूँगी, क्योंकि मुझे बाल भी धोना था, तो इसमें मुझे 15 मिनट लग गए। और अब मैं रोज़ की पूजा करूँगी और इसमें भी मुझे 10 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि मंदिर की सफाई भी मैं रोज़ ही करती हूँ। सारे भगवान को पोछना, पानी चेंज करना, छत रोली सिंदूर और भोग लगाना, जितना कुछ अपनी मम्मी से सीखा है सारा फॉलो करती हूँ। सूरज भगवान अभी नहीं निकले थे, तो मैं रोज़ सूरज में भी जल देती हूँ और उसके बाद मैं प्रणाम करके पूजा को समाप्त करती हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 5:35 और 5:55 बड़े बेटे का स्कूल बस है, 20 मिनट में मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। उसके बाद 6:25 में छोटे बेटे का है, तो दोनों का ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी और फिर मेरे हस्बैंड लगभग 7 AM तक रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से तीनों का ब्रेकफास्ट मुझे रेडी करना है और तीनों का लगभग अलग अलग ब्रेकफास्ट होगा। तो सबसे पहले गैस स्टोव और किचन रैक को साफ़ कर लिया, ये साफ़ ही था, रात में मैंने किया था, फिर भी ओकर बनाने से पहले फिर साफ़ करती हूँ। और सबसे पहले मैं एक सब्जी बना लूँगी और साथ ही साथ में इडली का बैटर रेडी है, तो मैं इडली भी तैयार कर लूँगी। सब्जी मुझे अभी 2 बनानी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार करना है। सबसे पहले मैं एक भुजिया बना लूँगी कुंदरी का। जब तक तेल गर्म हो रहे हैं, तब तक इडली के लिए पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। एक तरफ मैं कुंदरी को छौंक लेती हूँ और दूसरी तरफ मैं सांचे में इडली का बैटर भी भरती जाऊंगी, क्योंकि पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो वो भी रेडी हो जाएगा। और इस तरह से मैं दोनों काम साथ साथ निपटा लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गई पानी, तो ये गया इडली और ये भी 7-8 मिनट में रेडी हो जाएगा। अब इडली तो सिर्फ इडली खाएंगे नहीं, इसके लिए मुझे सांभर या चटनी चाहिए, तो बच्चे सांभर बहुत कम ही खाते हैं तीखे की वजह से, तो उनके लिए मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। इडली और चटनी बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं, और इडली के साथ चटनी उन्हें पसंद है चने की दाल और मूंगफली की। तो मूंगफली तो मैंने भून करके रखा है, चने की दाल थोड़ी सी रोस्ट कर लूँगी, बीच बीच में इसे तो चलाना ही है, कहीं जल ना जाए। इसे भूनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ही ये रेडी हो जाता है। देखिए इडली रेडी हो गया इतनी जल्दी, और भुंजा भी आधा रेडी हो गया है, बस इसमें मसाले डालूंगी।
और चना भी भुन गया है, तो मैं चटनी भी रेडी कर लूँगी। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का वेट कर रही हूँ, तब तक इडली भी बाहर निकाल कर रख देती हूँ, थोड़ा ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ताकि मैं लंच में पैक कर सकूँ। ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसकी हमें चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी सी मूँगफली डाला, मिर्ची और नमक, पानी सभी एक साथ डाल करके मैं एक ही बार में इसे रेडी कर लेती हूँ। तो ये हो गया बड़े बेटे का लंच रेडी। ब्रेकफास्ट में वो कुछ लेता नहीं है, सिर्फ दूध पी के जाता है, तो मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से बड़े बेटे का ब्रेकफास्ट सारा कुछ टाइम पे रेडी हो गया है। बाय बेटा। इधर एक सब्जी भी रेडी हो गई है और मैं इसे हटा करके दूसरी सब्जी भी छौंक लूँगी। भुजिया बनाने में कढ़ाई गंदी नहीं होती है, तो बिना धोए या कढ़ाई को बिना चेंज किए इसमें हम दूसरी सब्जी बना सकते हैं। दूसरी सब्जी के लिए हमें सिर्फ अनियन काटनी है, क्योंकि सब्जी तो मैंने रात में कट कर लिया था। तो छौंक लगा लिया, अब छोटे बेटे के लिए लंच पैक कर लूँ। तो ये लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा वो दूध पी ले। आज मंडे है और पापा घर पे हैं, तो छोटे बेटे को रेडी कर रहे हैं, और तब तक मैंने आटा लगा लिया और उसकी फरमाइश हुई कि मुझे इडली नहीं खानी है और लंच में नहीं ले जानी है, तो मैं फटाफट उसके लिए एक पराठा बना रही हूँ। और तब तक इधर दूसरी सब्जी को भी छौंकना था, प्याज भुन गई थी तो इसे भी मैंने छौंक दिया, और ये भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं सुबह के लिए ऐसे ही सब्जियों का सिलेक्शन करती हूँ जो कम टाइम ले। और बच्चों के मूड का तो कुछ कह नहीं सकते, उनका कम मूड चेंज हो जाए, कभी उनका फेवरेट भी बनाओ तो फिर भी उन्हें उस दिन नहीं ले जानी होती है। जैसे आज हुआ, देखिए इडली राधे का फेवरेट है, बट इडली उसे नहीं चाहिए, आज उसे पराठा चाहिए। तो फटाफट मैंने आटा लगाया और उसके लिए एक पराठा बनाई, और इडली में हटा दूँगी, अब एक पराठा डालूँगी और एक इडली भी ज़रूर डालूँगी, क्या पता वो खा ही ले। तो पराठे के साथ मैं थोड़ी सी भुंजिया भी डालूँगी, कुंदरी का भुंजिया भी उसे बहुत पसंद है। तो इस तरह से उसका लंच भी रेडी कर दिया, और वो भी स्कूल अब जा रहा है, बाय बाय। और आज मंडे है तो आज इसके पापा स्कूल छोड़ेंगे, वैसे तो रोज़ का मेरा ड्यूटी है ही स्कूल छोड़ना, लाना, ले जाना। आज बहुत हैप्पी हो रहा है, उनके पापा के साथ स्कूल जा रहा है। जब स्कूल छोड़ करके आएंगे तब तक इनके लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगी, और साथ ही साथ मैं भी अपने लिए दो पराठा बना लेती हूँ। और इस तरह से मंडे का ब्रेकफास्ट भी मेरा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से मंडे मॉर्निंग का रूटीन मेरा बहुत ही भागदौड़ वाली और बहुत ही बिजी होती है, और लगे हाथों में किचन रैक और गैस स्टोव की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मसी फैसी किचन मुझे पसंद नहीं आता और फिर बाद में करने का मन भी नहीं करता। किचन से हटूँ तो फिर बस लगता है थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और अब मैं हस्बैंड के लिए लंच पैक करूँगी। लंच दो पैक करूँगी, एक में इडली डालूँगी और एक में सब्जी पराठा जो बनाया है। दोपहर में पराठा खा लेंगे और रात में इडली खा लेंगे, जैसा जो भी इच्छा हो, क्योंकि बाकी दिन में तो वे बाहर का ही खाना खाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कम से कम एक दिन तो घर का खाना खा लें। इडली मैंने ज़्यादा पैक किया क्योंकि ये शेयर भी करते हैं। तो मंडे को एक डिश मैं ऐसा रखती हूँ जो बच्चों के लंच में भी काम आ जाए और इनका रात में भी, और गर्मी का दिन भी है तो इसलिए मैं ऐसा डिश रखती हूँ जो रात तक ख़राब ना हो और वो खा सकें। और इस तरह से दूसरा लंच बॉक्स भी पैक हो गया। बच्चे को स्कूल से छोड़कर आ गए हैं और ये भी ब्रेकफास्ट करके अब निकलेंगे, और हम लोग का भी 10 मिनट साथ में बीतने वाला है। ये ब्रेकफास्ट भी करेंगे, पेपर भी पढ़ेंगे, और हम साथ में बैठकर दो चार बातें भी करेंगे। बस हमारे लिए इनके पास इतना ही टाइम होता है, और इसके बाद हम मिलेंगे फिर सैटरडे को। और इनके जाने के बाद मेरी क्या रूटीन होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है। तो बाय बाय। अभी ऐसे भी मन थोड़ा जाने के बाद सैड सैड हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा फील नहीं करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। बाय बाय।